जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह की दूटूक, आतंकवाद का खात्मा करने के लिए करेंगे अंतिम वार। गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ करीब 4 घंटे तक की बैठक की, सुरक्षा से जुड़े बड़े अधिकारी रहे मौजूद। श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं को किया संबोधित, कहा कश्मीर की शांति में नहीं डाल सकता कोई खलल, युवा आज कर रहे हैं विकास की बात। कश्मीर की लगभग 70% आबादी 70% आबादी 35 साल के नीचे की। जम्मू कश्मीर के हर पंचायत में बनेगा यूथ क्लब, अमित शाह ने कहा सरकार देगी 25,000 रुपए। 5 अगस्त 2019 पर बोले अमित शाह, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा 5 अगस्त 2019 आतंकवाद भ्रष्टाचार का हुआ था अंत। श्रीनगर से शारजा के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू, गृहमंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। अमित शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा कड़ी, छावनी में तब्दील हुआ श्रीनगर। डल झील में सीआरपीएफ की टुकड़ियों की तैनाती, शिकारे में तैनात किए गए स्नाइपर्स। 24 अक्टूबर को जम्मू में आईआईटी के नए ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, शाम को श्रीनगर वापसी। अमित शाह ने आतंकवादी हमले में शहीद सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर जाकर दी श्रद्धांजलि, पत्नी फातिमा अख्तर को सरकारी नौकरी का किया वादा। अमित शाह के कश्मीर दौरे पर बोली महबूबा मुफ्ती, थी स्थिति नॉर्मल दिखाने का नाटक, हिरासत में लिए गए 700 लोग। फारूख अब्दुल्ला ने 370 हटाने का रोना रोया, कहा जब तक 370 बहाल नहीं तब तक कश्मीर में नहीं होगी शांति। कश्मीर में कभी अमन नहीं आएगा जब तक ये कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से वो स्टेटहुड और 370 वापस नहीं करेंगे। अमित शाह के दौरे के बीच फारूख अब्दुल्ला का दावा, मुझसे मिलना चाहते थे गृह मंत्री, मैंने कर दिया मना। लखनऊ में ओबीसी सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर किया वार, कहा राम द्रोही कभी आपके हितैषी नहीं हो सकते। जो राम का द्रोही होगा वो आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता, कभी नहीं, याद रखना। जो राम का द्रोही होगा वो आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मुख्यमंत्री योगी ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम आधिकारिक तौर पर बदला, अब अयोध्या कैंट के तौर पर होगी इसकी पहचान। सीएम योगी ने सुल्तानपुर को दिया 317 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास। यूपी के औरैया में विश्वकर्मा समाज की चौपाल में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के नेता राम आसरे विश्वकर्मा, कहा उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल। यूपी में मिशन 2022 का प्रियंका ने कहा किया विधिवत आगाज, बाराबंकी से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। प्रियंका गांधी ने बाराबंकी में महिला किसानों के साथ मुलाकात की, पार्टी की नीतियों के बारे में महिलाओं को दी जानकारी। 40% हिस्सेदारी। प्रियंका गांधी ने किसानों से किया बड़ा चुनावी वादा, सत्ता में कांग्रेस आई तो किसानों के सारे कर्जे माफ कर देगी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को बताया नाकाम, बोले किसान परेशान है, महंगाई आसमान पर है, क्या कर रही है सरकार। वरुण गांधी ने फिर से उठाया किसानों का मुद्दा, बोले आज कृषि नीति पर दोबारा सोचने की जरूरत है, कोई सोचता ही नहीं। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के अस्थि कलश यात्रा सिद्धार्थनगर पहुंची, किसानों ने जमकर नारेबाजी की। लखनऊ में बीएसपी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले मीडिया में दिखाए जाने वाले ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। मथुरा में जिला मुख्यालय पर इस्कॉन मंदिर के संतों ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़े फोड़े जाने से है नाराज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाएंगे अयोध्या, 26 अक्टूबर को करेंगे रामलला के दर्शन।
गोवा में दिल्ली के डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। मनीष बोले, प्रमोद सावंत से जनता दुखी है, बीजेपी बदलना चाहती है मुख्यमंत्री। 28 अक्टूबर को गोवा जाएंगी ममता बनर्जी भी, पार्टियों से बीजेपी के विरुद्ध एकजुट होने की करेंगी अपील। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने दिया विवादित बयान, भारत के संविधान को फाड़ने और जलाने की बात कही। तीन हजार आवेदनों को अगर इन पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के आगे इनको जला दूंगा, उनके साथी के आगे, मैंने कहा था आवेदनों के। बठिंडा में पंजाब के परिवहन मंत्री ने कैप्टन अमरिंदर को बताया समझौता करने वाला पूर्व मुख्यमंत्री, बोले विरोधी पार्टी के साथ मिलकर करते रहे राज। पंजाब में बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के विरुद्ध पंजाब सरकार ने 25 अक्टूबर को बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, आम आदमी पार्टी ने मीटिंग के लाइव टेलीकास्ट की मांग की। धौलपुर के गांव में वोट मांगने गई बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों का घेराव, वादे पूरे नहीं होने पर सुनाई खरी घोटी। अमरोहा में किसान नेताओं ने धान नहीं खरीदने पर सड़क जाम करने की दी धमकी, एसडीएम ने देरी के लिए तकनीकी खामी को बताया जिम्मेदार। ललितपुर में खाद की दुकान में खड़े किसान की मौत, जिला प्रशासन ने अपनी लापरवाही छिपाने के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का दिया विश्वास। झारखंड सरकार को गिराने की साजिश में हेमंत सरकार को झटका, 3 को मिली बेल। ड्रग्स मामले में अभिनेत्री अनन्या पांडे से फिर से होगी पूछताछ, एनसीबी ने सोमवार को फिर से बुलाया। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ ने 12 बांग्लादेशी घुसपैठियों को दबोचा, 3 एजेंट भी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर से 38 आतंकवादी और मददगार आगरा शिफ्ट, सेंट्रल जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच सभी को रखा गया। यूपी में बड़े स्तर पर अधिकारियों का ट्रांसफर, 14 आईपीएस ऑफिसर्स की किए गए तबादले। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन निर्माताओं के साथ बैठक की, जाइडस कैडिला सीरम इंस्टीट्यूट समेत 7 कंपनियों के सीईओ से मिले। पीएम मोदी ने जमकर सभी की तारीफ की, वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज करने पर दिया जोर। पीएम मोदी से मिलने के बाद वैक्सीन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों ने जताई खुशी, कहा देश में पहली बार सरकार कंपनियां एक साथ मिलकर कर रही हैं काम। कोरोना से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे हुए संक्रमित, राज की मां भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। ठाणे में 8 महीने बाद खोला गया थिएटर, दर्शकों की उमड़ी भारी भीड़। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने इंदौर के सेंट्रल जेल का दौरा किया, अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यूपी में माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए बनेंगे मकान, प्रयागराज के मिशन की शुरुआत। हरियाणा के जींद के छातर गांव में दलित युवक की पिटाई के बाद स्थिति तनावपूर्ण, 100 से ज्यादा जवान तैनात। दिल्ली के शिकरपुर में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने चौथी जन रसोई की शुरुआत की, लोगों को 1 रुपए में मिलता है भरपेट खाना। हिमाचल के चितकूल में आईटीबीपी के लापता 2 जवानों के शव मिले, 15,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैकिंग के दौरान ये हो गए थे दोनों गायब। तेलंगाना के करीमनगर में भूकंप रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई तीव्रता। भरतपुर में पटवारी परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 गिरफ्तार, एसओजी को मिली बड़ी सफलता। बिहार के 4 शहरों में पटाखा फोड़ने पर लगाई गई रोक, मुजफ्फरपुर के छाता बाजार पटाखा मंडी में दुकानदारों ने जताया दुख। भुवनेश्वर में टीम इंडिया की बनाई गई तस्वीर, आर्टिस्ट प्रियंका ने शानदार तस्वीर बनाकर जीता सभी का दिल। जूनागढ़ प्रशासन ने कर्मचारियों में तालमेल बढ़ाने के लिए करवाया बैडमिंटन मैच, डीएम रचित राज ने जीता मैच, खेल में छूटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारी तक हुए शामिल। अम्बाला में करवा चौथ को लेकर बाजारों में रौनक, महिलाओं में जबरदस्त उत्साह। करवा चौथ की खरीददारी के लिए सोलन के बाजारों में उमड़ी भीड़, व्यापारियों के चेहरे पर लौटी रौनक। दिल्ली के चांदनी चौक में करवा चौथ के लिए बनाई गई विशेष साड़ी, एलईडी लाइट्स के द्वारा साड़ी में लाइटिंग की व्यवस्था।
दिल्ली के एक होटल में गुलशन ग्रोवर ने लॉन्च किया बैडमैन एलएपी के मेन ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स। कंपनी के एमडी ने कहा पूरी तरह से आयुर्वेदिक। जो आयुर्वेदा है, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हम फुली इसे एंड्रोस करते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स में आयुर्वेदा को लाने वाले लीडर हम हैं। और फिर पंजाब में भारी बर्फबारी के कारण रजौरी से मुगल रोड बंद, खुलवाने का काम तेज। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग गुलमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी, हर तरफ सफेदी ही सफेदी। पहलगाम में भी खूब गिरी बर्फ, सामने आई सफेदी की तस्वीरें। करगिल में भी हुई भीषण बर्फबारी, द्रास सेक्टर में बिछ गई सफेदी। श्रीनगर का अधिकतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, 39 साल में अक्टूबर का ये सबसे ठंडा दिन रहा। बड़गाम में बर्फबारी में फंस गए 16 लोगों को बचाया गया, पुलिस ने सभी को किया रेस्क्यू। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी में फंस गए 80 पर्यटक, सूचना पर आर्मी ने किया रेस्क्यू, सुरक्षित स्थानों पर सभी को पहुंचाया। कोंडा में बाढ़ से भारी तबाही, दर्जनों गांवों में भर गया पानी, फसलें हुई बर्बाद। बरेली में बाढ़ के पानी में 72 घंटे तक फंसा रहा किसान, पुलिस की मदद से बचाया गया। गाजीपुर में मछली माफिया के कारण सैकड़ों बीघा खेत जलमग्न, किसानों ने लगाई गुहार। बाराबंकी में मालगाड़ी के चार पहिए पटरी से उतरे, बड़ा हादसा टला। दिल्ली के रंजीत नगर में 6 साल की बच्ची से रेप, सीसीटीवी में नजर आया आरोपी। यूपी के हापुड़ में 2 गुटों में भिड़ंत, जमकर हुआ पथराव। अमृतसर में डॉक्टर से फिरौती मांगने वाला युवक गिरफ्तार, 1 करोड़ की मांगी थी इसने फिरौती। फतेहपुर के निजी अस्पताल में अबॉर्शन के खेल का खुलासा, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था अस्पताल। उज्जैन में मां ने 3 महीने की बेटी की हत्या कर दी, इंटरनेट से सीखकर हत्या की। इंदौर में एक्साइज ऑफिसर पर गलत आरोप लगाने वाली लड़की पर केस दर्ज, पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार किया। भरतपुर में पुलिस की गिरफ्तारी से व्यापारी रिहा, हनी ट्रैप में फंसाकर 30 लाख रुपए की इससे मांगी गई थी फिरौती। कानपुर में 12 घंटे बाद अपहृत छात्र को रिहा कराया गया, 2 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में व्यापारी की गोली मारकर हत्या, चाचा चाची पर सुपारी किलर से हत्या करवाने का आरोप, दोनों गिरफ्तार।